नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 खबरों की। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले अयोध्या के धर्माचार्य। नया घाट तेड़ी बाजार मार्ग जगत गुरु रमानंदाचार्य के नाम पर बनेगा। यूपी में बीजेपी का मिशन। पश्चिमी यूपी सीएम योगी ने संभाली कमान। घर घर संपर्क के जरिए 27 लोकसभा सीटें जीतने का ब्लूप्रिंट। दम घुटने से मां बाप 9 माह के बच्चे की मौत। गाजियाबाद में टेंट गोदाम में लगी भीषण आग। गहरी नींद में था परिवार। फिरोजाबाद में सीएम के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी पर ब्लॉक प्रमुख पर मुकदमा। हाथवंत ब्लॉक प्रमुख का ऑडियो वायरल होने के बाद मची खलबली। महिला जज से छेड़खानी करने वाला वकील पुलिस हिरासत में। बोला था हमीरपुर वापस आकर अच्छा लग रहा होगा। जौनपुर में फिर से शुरू होगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। 9 महीने से हो गया था ठप। प्रशासन ने संस्था को दी थी चेतावनी। अमरोहा सड़क हादसे में घोड़े की मौत। अज्ञात वाहन ने टांगे में मारी टक्कर। युवक की हालत नाजुक। मेरठ प्रेफर। देवरिया में एक इंस्पेक्टर और 16 सब इंस्पेक्टर के कार्य क्षेत्र में फेरबदल। एसपी ने बड़े स्तर पर किया फेरबदल। मेरठ में युवक की गला काटकर हत्या। 21 अगस्त को घर से निकला था युवक का सुबह गांव के बाहर खेत में मिला शव। फतेहपुर में बाढ़ का पानी पार कर जाते बच्चे स्कूल। यमुना का जलस्तर बढ़ने से 50 गांवों का संपर्क टूटा। 25 साल से नहीं हुई पुल की मांग पूरी। गाजीपुर में दहशत के कारण बनती जा रही है जीवनदायिनी गंगा। खतरनाक लहरों से कटान को लेकर ग्रामीण भयभीत। मेरठ के शाहरुख ने आरिफ के नाम से बनवाया पासपोर्ट। 42,39,000 रुपए घर से मिले। पिता का नाम भी गलत बताया। बिजनौर में कई नदियां उफान पर। पहाड़ों पर हो रही बारिश से बढ़ रहा गंगा का पानी। ग्रामीणों को हो रही परेशानी। आगरा में लबलब। यमुना में जोखिम का सफर। रस्सी के सहारे हजारों लोगों की नैया लगती है पार। कई बार हो चुके हैं हादसे। हरदोई के प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत। परिजनों ने किया हंगामा। बोले गलत दवा के कारण हुई बहू की मौत। जंतर मंतर पर महापंचायत। बॉर्डरों पर पुलिस का पहरा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद नोएडा के बॉर्डरों पर सुबह से भारी जाम। भदोई में अधिक मूल्य पर बियर बेचना पड़ा भारी। सेल्समैन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आबकारी निरीक्षक ने जांच में पाया था गलत। एटा में करंट लगने से एक युवक की मौत। खेत में चारों तरफ लगाया था तार। ग्रामीण बोले शिकायत के बावजूद नहीं हटाया गया। प्रयागराज में स्कूल वाहन पलटा। 5 छात्र छात्राएं गंभीर रूप से घायल। स्थानीय अस्पताल में चल रहा इलाज। उफनाती ओडी नदी में कई गौवंश बहे। ललितपुर में पुल पार करते समय आए बहाव की चपेट में। कई गांवों में बाढ़ का खतरा। शाजापुर में गालीबाज होमगार्ड का वीडियो वायरल। सब्जी खरीद कर दुकानदार को नहीं दिए रुपए, उल्टा जूते से पीटने की शिकायत। गुड़ना में पुलिस के खिलाफ मानवाधिकार पहुंची पीड़िता। 2 दरोगा 1 सिपाही पर अभद्रता का आरोप। गाली देकर हर रोज करता अपमानित। चंदौली में पुलिस टीम पर पथराव। 2 पक्षों के विवाद में मौके पर पहुंची थी पुलिस। आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल। गुड़ना सदर तहसील में तैनात लेखपाल की दबंगई। पूर्व डीएम के खिलाफ किया अभद्र भाषा का प्रयोग। डीएम ने दिए जांच के आदेश। उन्नाव में गंगा के जलस्तर में तेजी से हो रही बढ़ोतरी। अचानक घटने की बजाय बढ़ने लगा पानी। केंद्रीय जल आयोग भेज रहा रिपोर्ट। 2 हादसे में 2 परिवार के 11 लोगों की मौत। बागपत में पति गर्भवती पत्नियों और 3 बच्चों को टैंकर ने रौंदा। सहारनपुर में ट्रक वैन की भिड़ंत। गोरखपुर में माफिया राजन तिवारी ने पुलिसकर्मियों को धमकाया। केस दर्ज। जेल जाते वक्त पुलिस से बोला जेल से छूटते ही जान से मार दूंगा। बदायूं में एसडीएम से अपने गांव में झड़प। बिसौली के परवेज नगर गांव में सम्मान समारोह पहुंचे थे। बाद में शांतिपूर्ण ढंग से हुआ कार्यक्रम।
अशोक ने पहुंचाया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। मुजफ्फरनगर के तुषार ने 5 किलो अखबारी रद्दी को 1500 तितलियों से बनाया था राम मंदिर का मॉडल। प्रयागराज में डेयरी संचालकों ने बछड़े के साथ की हैवानियत। गाय का दूध पीने पर पीटा, अधमरा होने पर पैर बांध कर कूड़े में फेंका। बदायूं में गैस सिलेंडर लीक होने से सिलेंडर में लगी आग, आग लगने से 3 बच्चों सहित 1 व्यक्ति गंभीर रूप से झुलसा। बांदा में डंपर चालकों ने कमिश्नर चित्रकूट धाम मंडल को दिया ज्ञापन, जिला प्रशासन द्वारा ओवरलोड पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। बुलंदशहर में चोरी के शक में दबंगों ने पीट पीट कर दिया घायल, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। फरुखाबाद में रेलवे ट्रक पर मिला युवती का शव, गुस्साए परिजनों ने मुख्य मार्ग को किया जाम, प्रशासन ने किया कार्रवाई का भरोसा। गोंडा में भव्य तरीके से प्रतिभा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। समारोह में बीजेपी के पूर्व होमगार्ड मंत्री पलटूराम और बीजेपी के कई नेता शामिल। बुलंदशहर में कलयुगी बेटे ने संपत्ति के लिए की मां के निर्मम हत्या, वजनदार हथियार से वार कर की हत्या। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान आया सामने, अंशु अवस्थी का पलटवार करते हुए कहा यह भाजपा का अंदरूनी मामला, इस अंतर्द्वंद से प्रदेश का हो रहा नुकसान। सिपाही के ट्रांसफर पर खूब रोए बच्चे, 4 साल से गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे थे, 5 से 150 तक पहुंचा कारवा। मथुरा में वृंदावन के रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में सुरक्षा गार्डों की गुंडई का वीडियो वायरल, वीडियो में मरीजों को धक्का देकर निकाला रहा। लखनऊ के बारा थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद, दहेज के लिए विवाहिता को जहर खिलाकर उतारा मौत की घाट। अमेठी में करंट लगने से रिटायर्ड फौजी की हुई मौत, खंबे में उतरे करंट की चपेट में आने से हुई मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई की। बुलंदशहर में करंट की चपेट में आने से 8 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत, हादसे के बाद परिजनों में मचा कोहराम। फरुखाबाद जिला अस्पताल के पास में मिली सिरकटी लाश, शव मिलने से जिला अस्पताल में मचा हड़कंप, सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। गोंडा में 15 लाख की रंगदारी मांगने वाले 4 अभियुक्त गिरफ्तार, लड़के की जान की सलामती के लिए मांगी गई थी रंगदारी। लखीमपुर खीरी में सिलेंडर फटने से लगी आग, आग लगने का पूरा मामला आया सामने, जलकर घर हुआ राख, खाना बनाते समय हुआ हादसा। लखनऊ में हजरतगंज थाने के अंतर्गत गोमती पुल के नीचे मिला शव, शव को उतराता देख पुलिस पर लगे आरोप, पर लोगों का जमावड़ा। गुना में तेज रफ्तार तेल टैंकर ने बाइक सवार को रौंदा, टैंकर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। लखनऊ में सपा डेलीगेशन टीम ने डीजीपी से की मुलाकात, सपा टीम ने आजम पर 2 और केस दर्ज होने पर सौंपा ज्ञापन। नोएडा में 28 अगस्त को होगा भ्रष्टाचार की इमारत का ध्वस्तीकरण, लगातार बारूद लगाने का काम जारी। हमीरपुर में कोचिंग पढ़ने जा रही छात्राओं को छात्रों ने पकड़कर बेल्ट से पीटा, पीड़ित छात्राओं की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। देवरिया में सूर्या एचपी गैस के तत्वाधान में एलपीजी पंचायत का हुआ आयोजन, गैस योजना से जुड़ी योजनाओं के बारे में विस्तार से दी गई जानकारी। आलमबाग थाना क्षेत्र लखनऊ में महिला ने दरोगा पर कार का शीशा तोड़ने का लगाया आरोप, मवैया चौकी इंचार्ज पर महिला ने लगाया आरोप। बरेली में मीरगंज में हत्या कर युवक को पेड़ से लटकाया, घर से 8 लाख रुपए लेकर निकला था, पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर हुआ हादसा। रामपुर में आजम के वकील पर मुकदमा दर्ज करने पर भड़के साथी अधिवक्ता गवाह ने वकील पर धमकी देने का दर्ज कराया था केस, धरना दिया। कानपुर नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक शुरू होते ही हंगामा, भाजपा पार्षद ने हाउस टैक्स में गड़बड़ी को लेकर किया विरोध। और अयम में पापा ने डांटा तो ट्रेन के आगे कूदी बीए छात्रा, दिव्यापुर रेलवे क्रॉसिंग पर राजधानी एक्सप्रेस से कट कर दी जान, रात को हुआ था झगड़ा। फतेहपुर में कंप्यूटर बाबा ने एमपी की बुलडोजर व्यवस्था पर उठाए सवाल, बोले सिर्फ बुलडोजर चलाने से कुछ नहीं होगा, करने होंगे काम। शाहजहांपुर में पंखिया गिरोह के 4 सदस्य मुठभेड़ में गिरफ्तार, दूसरे जिलों में जाकर घरों में करते थे चोरियां, फिर आपस में बांटते थे पैसे। ललितपुर में नदी के बीच फंसे लोगों को निकाला गया बाहर, 15 घंटे से फंसे थे 2 महिला सहित 6 लोग, डीएम बोले ग्रामीण रहे अलर्ट।
भदोई के औरैया में नाबालिगा किशोरी के अपहरण में दो गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से चार पहिया वाहन बरामद। प्रतापगढ़ में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, एक हफ्ते में 45 से अधिक लोग मिले पॉजिटिव, गाइडलाइन का नहीं हो रहा पालन। बदायूं में मौसेरे भाई ने युवक को मारी गोली, 11 लाख रुपए में खरीदा था प्लॉट, बेनामा नहीं करने पर रुपए वापस मांगने पर विवाद। आगरा में कपड़ा कारोबारी के घर में लाखों की चोरी, बेटी की शादी के लिए खरीदी ज्वेलरी ले गए चोर, सीसीटीवी में कैद हुए दो लोग। आजमगढ़ पुलिस ने 7 आरोपियों को नकल माफिया किया घोषित, 24 जनवरी को हुआ था खुलासा, स्कूल मैनेजर चला रहे थे सिंडिकेट। शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज का वीडियो वायरल, जमीन पर लेटी गर्भवती महिला इलाज का करती रही इंतजार, प्राचार्य बोले दिक्कतों को दूर किया जाएगा। बाराबंकी में शिक्षकों को किया गया सम्मानित, आजादी के अमृत महोत्सव में किया गया उत्कृष्ट कार्य, कार्यक्रम भी किया गया आयोजित। अमरोहा में एसपी ने पुलिस अधिकारियों की ली बैठक, बोले क्राइम बढ़ा तो नपेंगे जिम्मेदार, महिला संबंधी अपराधों को गंभीरता से ले पुलिस। हरदोई पुलिस लाइन में मॉडर्न लाइब्रेरी बनाकर तैयार, बौद्धिक संपत्ति बढ़ाने की पहल, पुलिस कर्मियों के बच्चों को मिल सकेगी बेहतर शिक्षा। गोरखपुर में अस्पताल संचालक ने किया रिसेप्शनिस्ट से रेप, विरोध करने पर पीटा भी, सैलरी देने के बहाने केबिन में बुलाया था। सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज में पुलिस ने लगाई जन चौपाल, लोगों को किया जागरूक, हेल्पलाइन नंबर भी किया गया जारी। अंबेडकर नगर में किसान यूनियन का धरना, जिले को सूखा घोषित करने और कीटनाशक व खाद के बढ़े दामों को वापस लेने की मांग। लखनऊ में जमीनी विवाद में भाजपा पार्षद का सिर फटा, अवैध निर्माण के विरोध में दोनों पक्षों में हुआ था विवाद, थाने पर हंगामा। फिरोजाबाद में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला, एसएसपी कार्यालय के सामने फर्श डाल, हाथ में पोस्टर लेकर बैठा हत्यारोपी। ललितपुर में करंट लगने से पिता की मौत, बेटे पर गिरा था बिजली का तार, बचाने के चक्कर में पिता की जान गई। मुरादाबाद में बिल्कुल बानो प्रकरण में प्रोटेस्ट कर सपा महानगर अध्यक्ष गिरफ्तार, पुलिस ने कहा देश की अखंडता तोड़ने के इरादे से लगाए गए उत्तेजक नारे। पिछहत्तर जिलों की 75 खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।